अस्सलामुअलैकुम क्लास, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2.2 और हमारा लेक्चर नंबर है 10। लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस कर रहे थे एक क्वेश्चन जिसके हमें एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हमें गिवन थे और हमें उसके वर्टिसेस हमें फाइंड करने थे। तो हमने क्या काम किया था उसमें, चाहे तो आप वीडियो दोबारा ओपन करके देख लें वो सही। उसमें हमने क्या किया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने 6 इक्वेशंस बनाई एफ तक। फिर एफ तक बनाने के बाद सब पॉजिटिव थी, हमने सब ट्रैक करना शुरू कर दिया। दो दो इक्वेशन को आपकी मर्जी है, लेकिन एक्स एक्स वाली को आपस में, वाई वाई वाली को आपस में आपकी मर्जी। आप किसी को भी किसी से ट्रैक कर ले तब भी बात कोई होगी, आप परेशान होने की बात नहीं कि इतनी सारी इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करूँ मैं। आप एक्स एक्स वाले को कोई भी ले लें, पहली और दूसरी ले लें, दूसरी और तीसरी ले लें, या पहली और तीसरी ले लें, आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले लें, पर उसमें एक वेरिएबल सेम होना लाजमी है। जैसे सपोज इसमें एक्स वन एक्स टू था मेरे पास और यहाँ पे एक्स वन एक्स थ्री था, तो एक्स वन मेरे पास सेम था, आपकी मर्जी है। इसी तरह वाई वाली को सॉल्व करें आप। सॉल्व करने के बाद आपके पास फिर से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 4 इक्वेशंस न्यू बन गई थी सही। अब जो 4 इक्वेशंस न्यू बनी उनमें सब्ट्रैक्शन के साइन थे मेरे पास, जी एच आई और जे हमारे पास न्यू इक्वेशंस थी, ठीक है 4। अब इन 4 इक्वेशंस में हमारे पास माइनस का साइन था सही है। अब माइनस का साइन मेरे पास है तो अब मैंने दोबारा सॉल्व करना शुरू किया इक्वेशंस को। अब इसमें मेरे पास जैसे कि ये इक्वेशन है एक्स वन माइनस एक्स थ्री था, अब मैंने चेक किया कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स वन और एक्स थ्री दोनों हो, तो हमने वो चेक किया ई में। ई में एक्स वन भी था, एक्स थ्री भी था, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस जब नेगेटिव आ चुका है आपके पास, अब आप प्लस करना शुरू कर दे इक्वेशंस को। तो हमने ऐड किया इक्वेशन ई को जी के साथ, हमने ऐड कर दिया सही। जब मैं ई और जी को ऐड करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स वन की। इसी तरह मैंने फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने किया इसको, मेरे पास ये वैल्यू आ गई एक्स वन की वैल्यू मेरे पास आई, एक्स वन की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया इक्वेशन ई में। ई में पुट किया तो एक्स थ्री आ गया मेरे पास, एक्स थ्री को मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर सी में, इक्वेशन नंबर सी में पुट किया तो मेरे पास एक्स टू आ गया। मेरे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों आ गए। अब मुझे चाहिए वाई वन वाई टू वाई थ्री। जिस तरह हमने ये फाइंड किया बिल्कुल इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, वाई वन वाई टू वाई थ्री फाइंड करेंगे सही। इसमें क्या किया था, हमने सब्ट्रैक्ट करवाया था ई एंड सी को, आपकी मर्जी है, सॉरी हमने ऐड करवाया था ई एंड जी को सही। तो अब हम यहाँ पे वही काम करेंगे, हम ऐड करवाएंगे जैसे हमने वाई वाई वैल्यू को, y1 वन माइनस वाई थ्री है। अब चेक कर रहे थे क्वेश्चन में कहीं y1 वन और y3 थ्री है, ये रहे हमारे पास y1 वन वाई थ्री है, इन दोनों को हम क्या करवाएंगे ऐड करवाएंगे। ऐड इक्वेशन कौन कौन सी है, f एंड h, f और h को हम ऐड करवा रहे हैं। f मेरे पास क्या है, 4 इज इक्वल्स टू y1 वन प्लस वाई थ्री है, और h मेरे पास क्या है, माइनस 10 इज इक्वल्स टू y1 वन माइनस वाई थ्री है। इनको मैं ऐड कर रही हूँ, जब मैं ऐड करूँगी 4 माइनस 10 मेरे पास होगा माइनस 6, ये हो जाएगा 2y1 और ये कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास y3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ मेरे पास y3 से, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा इज इक्वल टू y1। चाहे तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें इजीली, जो आपको आसान लगता है ठीक है। y1 आ गया, मैं y1 की वैल्यू को पुट करूँगी, चाहे कोई और वैल्यू आ जाए मेरे पास, मैं y1 की वैल्यू को f में पुट करूँ, अगर यहाँ से y3 आ जाएगा मेरे पास सही है। ले देते हैं यहाँ पे पुट इन f, f में पुट कर देते हैं हम। जब मैं एफ में पुट करूंगी तो 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस वाई 3 हो गया सही। माइनस का 3 है, यहाँ पे मूव करवा देंगे पॉजिटिव 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई 3 सही। 4 प्लस 3 7 इज इक्वल्स टू वाई 3, 7 वाई 3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 सही। अब मेरे पास वाई 3 आ गया, मैं वाई 3 को कहीं पुट करूँ ताकि मेरे पास वाई 2 आ जाए। मैं वाई 3 को पुट कर रही हूँ इसमें, आपकी चॉइस है, बस आप पुट करते जाएं, कहीं भी पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम पुट कर देते हैं इसको डी में, पुट इन इक्वेशन डी, डी में हम पुट कर रहे हैं तो डी इंप्लाइज करेगी हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू वाई 2 प्लस 7, क्योंकि वाई 3 है यहाँ पर, हमने वाई 3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो 7 यहाँ प्लस का, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास 8 माइनस 1 7 1 बचेगा, मेरे पास वाई 2 की वैल्यू आ गई 1 ठीक है मेरे पास आ गया। लास्ट में हम लिखेंगे रिजल्ट, हैंस द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, हमारे पास वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, वो क्या हैं, ए एक्स वन वाई वन था, देखें ए एक्स वन वाई वन था हमारे पास, तो ए एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू है मेरे पास 1 और मेरे पास y1 की वैल्यू है माइनस 3 सही। इसी तरह हम b मेरे पास क्या है, x2 y2, x2 है 3 और y2 है 1, c
सी है मेरे पास एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स थ्री की वैल्यू है माइनस फाइव और वाई थ्री की वैल्यू है मेरे पास सेवन है, सही। हमें ये फाइंड करना था, क्वेश्चन में था क्या, एलेवन आपको मिड पॉइंट गिवन थे, ए बी सी आपने फाइंड करनी थी, इसके वर्टिसेस, इसमें एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो हमने पहले मिड पॉइंट के फॉर्मूला लगाया सिंपली, फिर हमने छः इक्वेशंस हमारी वहाँ से आ गई, फिर उनको हमने सब्ट्रैक्ट करवाया, सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद हमारे पास मज़ीद चार इक्वेशंस आ गई, फिर जो माइनस वाली इक्वेशंस थी उनको माइनस के साथ कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम माइनस वाली को प्लस वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे, माइनस वाली को प्लस वाली के साथ सॉल्व किया, फिर कोई वैल्यू आ गई उनको पुट करते गए, हमारे पास बाकी दो वैल्यूज आ गई एक्स की भी। इसी तरह हमने वाई में काम किया, इस तरह हमारे पास एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री आ गया। लास्ट में हमने रिजल्ट लिख दिया कि हमारे वर्टिसेस क्या क्या हैं, ए बी और सी हैं हमारे पास वर्टिसेस। इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.